हेलो ग्लोरियस फैमिली, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। होप यू ऑल गाइस आर डूइंग वेल। आज की वीडियो में हम एक ऐसे प्रोडक्ट पर बात करेंगे जो एक सीरम भी है और एक तरीके से आपकी स्किन के लिए फुल रैप किस्म की ट्रीटमेंट भी है। अगर आपकी एज 25 के बाद की हो गई है तो दिस प्रोडक्ट इज रियली वेरी मैंडेटरी फॉर यू। सो वीडियो स्टार्ट करते हैं एंड अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड गिव दिस वीडियो अ ह्यूज थम्स अप। सो विदाउट फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड टुडेज वीडियो। अच्छा जी, ये एक फार्मास्यूटिकल कंपनी है जैन फार्म, उसका ये लोशन भी है, ये मैंडेलिक एसिड सीरम भी है और इसको मैंडल एसी के नाम से मिलता है। ये मैंडल एसी के नाम से मार्केट में और इसमें मैंडेलिक एसिड 20% है। ये क्या क्या काम करता है? ये आपके स्किन पर एंटी एजिंग के साइंस को ख़त्म करता है, एंटी रिंकल है ये और ये एक स्किन ब्राइटनिंग किस्म का सिरप भी है। ठीक है, आप इसको स्किन ब्राइटनिंग के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। अगर आपकी स्किन पर थोड़ी सी जैसे हमारी लाफ लाइंस आने लगती हैं और आईज़ के आसपास थोड़ी सी लाइंस आने लगती हैं, उनको भी ट्रीट करता है। ठीक है, लेकिन अगर हम ये सोचें कि कोई भी प्रोडक्ट हमने दो दिन हुए हैं इसको इस्तेमाल करते हुए और ये फ़ौरन से रिजल्ट देने लगेगा तो ऐसा नहीं होता। मिनिमम साइड पर आपको उस प्रोडक्ट को कम से कम 15 दिन या महीना देना पड़ता है ताकि वो काम करना स्टार्ट कर दें। ठीक है जी। अच्छा जी, इसकी पैकिंग पे बात करते हैं तो यहाँ पर इसकी ये देखें, ये ली यहाँ पर इसकी आपको एक्सपायरी दिख रही है, 6 मंथ्स आफ्टर ओपनिंग द प्रोडक्ट इज वैलिड। ठीक है, और यहाँ पर इसकी एक्सपायरी वैसे लिखी हुई। अच्छा, ये दो तरह की एक्सपायरी इस पर मेंशन हुई हुई है। दो तरह की एक्सपायरी क्यों मेंशन हुई हुई है? जैसे आप मार्केट से इसको परचेज करके ला रहे हैं ना, तो आप इसको नवंबर 2024 तक खरीद सकते हैं। ठीक है, और इसको आप यूज़ कब तक कर सकते हैं? इसको खुलने के 6 महीने बाद। अब आप ये नहीं कीजिएगा कि आपने इसको खोल लिया और यहाँ पर एक्सपायरी पड़ी कि जी 11 नवंबर 2024 की है तो इसको मैं 1 साल तक आराम से इस्तेमाल कर सकती हूँ, तो ऐसा नहीं होगा। अगर आपने इसको खोल लिया तो ये सिर्फ 6 मंथ्स तक के लिए वैलिड है। ठीक है, एक्सपायरी और बेस्ट बिफोर बोथ आर डिफरेंट थिंग्स। ठीक है, ये बेस्ट बिफोर लिखा हुआ है, दिस इज कॉल्ड एक्सपायरी। ठीक है, अच्छा यहाँ पर इसकी प्राइसेस वगैरह भी मेंशन हुई हुई है। अच्छा जी, ये तो हो गई इसकी पैकिंग पे बात। पैकिंग इसकी मैं अंदर से आपको खोल के दिखाती हूँ। ये देखें, इसके अंदर एक ये दिया हुआ, इसको मैंने खोल दिया और उसके बाद मुझसे ये पैक नहीं हुआ। पैकिंग बहुत अच्छी सी हुई हुई थी और ये इस तरीके की बॉटल है, इसको मैं निकालती हूँ। बॉटल को बिल्कुल फिक्स हुई हुई थी, उसके बाद मुझसे फिक्स नहीं हुई, सॉरी टू से। अच्छा जी, ये इसकी बॉटल है। ठीक है जी, आप अच्छे से इसको देख लो सब तरफ से। ठीक है, अच्छा अब मैं आपको इसका टेक्सचर दिखाती हूँ। इसको मैंने खोला, ये इसका टेक्सचर है। ये बहुत ही बहुत ऐसे लगता है बिल्कुल ना पानी की सूरत में। अब मैं आपको इसको निकाल के दिखाती हूँ अपने हाथ पे, किसको यूज किस तरीके से करते हैं। ये देखिए, इस तरीके से मैंने इसको निकाला। ये ना ऑयल फॉर्म में है, ये देखें। ठीक है, ये ऑयल फॉर्म में, इसको अगर आप यूज कर रहे हो ना तो आपको इसके बाद किसी मॉइस्चराइजर की ऐसे जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि ये ऑयल फॉर्म में और हम लोग मेरे जैसे ऑयली स्किन वाले इसको इजीली यूज कर सकते हैं क्योंकि ये ऑयल फॉर्म में। मैं इसके बाद कोई मॉइस्चराइजर नहीं लगाती। ठीक है, ये 3-in-1 फॉर्मूला है, इससे आपके एंटी एजिंग के साइंस खत्म होंगे, फाइन लाइंस खत्म होने लगेंगी, विजिबल तरीके से आपको इसके रिजल्ट्स मिलेंगे, लेकिन आपको कम से कम इसको 15 दिन या 20 दिन देने पड़ेंगे ताकि ये काम करे। दूसरा, आपकी स्किन ब्राइटनिंग होगी और सबसे जरूरी बात, जब भी हम अपनी स्किन केयर पे सीरम लगाने लगते हैं या कोई भी एसिड यूज़ करने लगते हैं, जैसे नियासिनामाइड यूज़ कर रहे हैं, हाइलोरिक एसिड यूज़ कर रहे हैं या कोई ऐसी प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं जिनमें इस तरह के एसिड्स हैं, मैंडेलिक एसिड यूज़ कर रहे हैं, तो इन सब के लिए आपको अपनी स्किन को प्रेप करने की बहुत ज़रूरत होती है। बहुत सारे लोग ऐसे करते हैं, ये सारी चीज़ें तो लगा रहे होते हैं लेकिन ना सनस्क्रीन लगा रहे होते हैं, ना मॉइस्चराइजर प्रॉपर लगा रहे होते हैं, वहाँ पर कहते हैं जी हमें फ़ायदा नहीं हो रहा। तो फ़ायदा नहीं होता इस तरीके से, आपको इसकी पूरी रूटीन फॉलो करनी होती है टू गेट मैक्सिमम रिजल्ट्स। ठीक है जी,
अच्छा, आपको इसको लगाना कब है? आपको इसको सिर्फ रात के टाइम पर लगाना है, दिन में इसको नहीं लगाना, ठीक है? रात के टाइम पे इसको मैक्सिमम टाइम मिलेगा आपकी स्किन पर वर्किंग करने का, और जाहिर सी बात है आप सो रहे होते हो, ऐसे जितना कोई बाहर का काम या धूप का काम या चूल्हे के पास का काम नहीं कर रहे होते, और हमेशा अपनी स्किन पर सन ब्लॉक या सनस्क्रीन लगाना है। सन ब्लॉक मैं इसलिए रिकमेंड नहीं करती क्योंकि सन ब्लॉक में जो हार्मफुल जो इफेक्टिव रेजेस होती है ना वो भी ब्लॉक कर देता है। सनस्क्रीन इज फार मोर बेटर देन सन ब्लॉक। इसमें मैंने पूरी डिटेल्ड वीडियो बनाई और मैं हर स्किन केयर की वीडियो पर इस पर ज़रूर बात करती हूँ। सनस्क्रीन इज दैट मच इम्पॉर्टेंट फॉर योर स्किन जैसे खाना आपकी बॉडी के लिए इम्पॉर्टेंट है, ठीक है? तो यू हैव टू अप्लाई सनस्क्रीन बिफोर गोइंग आउट। अगर आप घर में भी हैं तो भी थोड़ी सी हल्की सी लेयर लगा के रखा करना है, ठीक है? क्योंकि सन की जो रेजेस होती हैं वो आपकी स्किन पर कैसे भी तरीके से इफेक्ट कर सकती हैं, और बाहर तो ज़रूरी लगाना है। अगर आप घर में नहीं भी लगाते हो तो आपको बाहर ज़रूरी लगाना है, ठीक है जी? अच्छा, जब आप इस तरीके की स्किन प्रेप्स कर रहे होते हो तो यू हैव टू अप्लाई सनस्क्रीन, अ प्रॉपर मॉइस्चराइजर, अ प्रॉपर डाइट टू गेट मैक्सिमम रिजल्ट, ठीक है जी? अच्छा, ये मेरी तरफ से रिकमेंडेड प्रोडक्ट है, लेकिन आपको इसको बिल्कुल ध्यान से इस्तेमाल करना है। अगर आपकी स्किन पे मतलब अगर आप बिफोर 25 हो तो मैं इसको रिकमेंड नहीं करूँगी कि आप इसको इस्तेमाल करो, ये आफ्टर 25 वाले ही यूज़ करें तो उनके लिए बेटर है। क्योंकि जब तक हमारी स्किन पर कोई एजिंग के साइन, एजिंग तो खैर 25 के बाद भी आपको थोड़ा ख्याल रखना पड़ता है, लेकिन तो 25 से पहले आपकी स्किन बिल्कुल फ्रेश होती है। उस पर इस तरह की कोई प्रोडक्ट ज़रूरी नहीं होती। आप टोनर लगा सकते हो, आप अच्छा मॉइस्चराइजर लगा सकते हो, आप सन ब्लॉक लगा सकते हो, सनस्क्रीन लगा सकते हो, लेकिन दीज आर कॉल्ड ट्रीटमेंट्स। जो ट्रीटमेंट्स आप 25 के बाद यूज़ करो तो दैट इज़ फार मोर बेटर फॉर योर स्किन। आप ये सारी चीज़ें 25 से पहले यूज़ ना करो, ये मैं रिकमेंड करती हूँ, ठीक है जी? तो इसको आप 25 के बाद यूज़ करो और ये आपको बेस्ट रिजल्ट्स देगा अगर आप पूरी रूटीन फॉलो करके। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। फॉर मोर सच वीडियोस डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन टू गेट नोटिफिकेशंस ऑन टाइम। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। आई विल कैच यू गाइज इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।